क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो क्या करना है हमें ये क्वेश्चन में, हमें डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। पावर मतलब जैसे कि 3, 4 का पावर हो गया हमारा 3, जैसे ये x का पावर 3, 2 ऐसा ही। तो हमें क्या करना है, इसे हाईएस्ट डिग्री मतलब कि सबसे ज्यादा बड़ा जो डिग्री होगा उसे हमें लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, ये जो सम दिया है उसे हमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कौन सी बड़ी डिग्री है और उसे लिखना है। तो 5x³ + 4x² + 7x, तो ये हाईएस्ट क्यूब है मतलब हाईएस्ट पावर है, क्योंकि 2 तो उससे कम हो गया और x तो छोड़ ही दो आप। तो हम लोग का हो गया 3, तो 3 हम लोग लिखेंगे, तो हो गया हमारे ये 3, बस इतना ही लिखने का है। और सेकंड देखते हैं, 4 - y², तो 4 तो कुछ नहीं होगा वाई स्क्वायर, तो हम लोग का हाईएस्ट पावर हो गया 2। पावर लिखने का है वाई स्क्वायर, ये वाई मत लिखना। तो हम लोग का पावर हो गया 2। अब थर्ड वन देखते हैं, 5t - √7। तो क्या हो गया, टी अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग मान लेंगे 1, तो हो जाएगा हमारे थर्ड का 1। फोर्थ का देखो, फोर्थ का हमें क्या दिया है, 3, तो 3 का हम 0 लिखेंगे। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहले मैं लिख देता हूँ 0। अब 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो 3 के साथ कुछ भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में है नहीं। अगर मैंने पहले वीडियो में अपने बोला था, अगर कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में ना हो, तो अगर हमें कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में ना दिया हो तो हमें क्या लिखना है, हमें उसे 0 में लिखना है, सिर्फ अगर नंबर दिया रहे। तो कैसे लिखेंगे, पहले मैंने वीडियो में बताया था, एक और बार बता दे रहा हूँ। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी नंबर दे, जैसे ये 3 दिया है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 0 से। उसका पावर 0 रहेगा, इसलिए मैं उसको 3 × x पावर 0, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि 3 × 1, तो 3 × 1 के फॉर्म में लिखूंगा, तो आएगा हमारा 3। तो मुझे x पावर 0 क्यों लिखने की जरूरत नहीं, तो पावर इसका 0 आएगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको हो गया हमारा 0। तो ये